जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल सीरीज के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में चार घातांकी श्रेणी कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं उसको समझेंगे, और साथ ही साथ जो इस चैप्टर के ट्रिक होते हैं, जो शॉर्टकट होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगी, इससे पहले की वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं, या फिर किनारे में आपको आई टैब दिखेगा, वहां पर क्लिक करके भी आप वीडियोस देख सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक और बात कह देते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज की। एक्सपोनेंशियल सीरीज में हम लोग एकदम बिल्कुल स्टार्ट से बात करेंगे, बिल्कुल जीरो से बात करेंगे, है ना, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, आपने लिमिट चैप्टर पढ़ा था, अगर कहीं भी 1+1/n टू द पावर n है और इस पर अगर हम लिमिट लगा दें n टेंस टू इनफाइनाइट का, तो हमें आंसर मिलता था e। हमें क्या आंसर मिलता था? e। ये e कौन सा है? ये एक्सपोनेंशियल वाला ही e है, कोई नया नहीं है। और इस e की वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 2.71। ये कहीं ना कहीं जो आपका e की वैल्यू हो 2.71 के आसपास है, ये कहीं खत्म नहीं होता है, इसके आगे भी नंबर्स आते हैं 8.1, 8.2, 8.4, एक चलता जाता है, खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई e की वैल्यू जो है वो 2.71 समथिंग है ना, ये हम मान लेते हैं। साथ ही साथ यहां से चीज और आपके पास कंक्लूजन निकल के आएगा कि जो e की वैल्यू होती है वो 2.71 से ज्यादा और 2.8 से कम, यानी कि हमेशा e की वैल्यू जो होगी वो 2.7 और 2.8 के बीच में रहेगी, उससे आगे नहीं जाएगी, इससे कम नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि भाई e जो होता है ना वो इरेशनल नंबर होता है। ये मैं जो बता रहा हूं आपको, ये बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो e जो होता है वो इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या होता है, जैसे पाई, पाई भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इस लिमिट की वैल्यू e आती है, e की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं 2.71 समथिंग, बार बार कह रहा हूं कि यहां पर खत्म नहीं होता है, ये आगे भी जाता है, और इस e की वैल्यू हम लोग 2.7, 2.8 के बीच में रखते हैं। ठीक है, e जो है आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये तो बात हो गई, बेसिक सी बात हो गई कि e क्या होता है, e के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फार्मूलों के बारे में बात करें, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, है ना, एक ही फार्मूले पे बेस्ड है आपका चैप्टर और उसी से कई फार्मूले निकल के आपके सामने आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई e टू द पावर एक्स को हम लोग एक्सपोनेंशियल एक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल एक्स भी बोलते हैं। अब e टू द पावर एक्स का जब एक्सपेंशन करते हैं, इसका प्रसार करते हैं, तो क्या रिजल्ट निकल के आता है? 1+x/(1+x²)/(2)+(x³)/(3)+...up to infinite ये निकल के आता है। ठीक है, बताइए समझ में। अब इसी को अगर हम लिखना चाहें तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, n=0 to infinite, और इसको लिख देंगे x^(n)/(n). कहीं पर अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, तो e पावर x की ये वैल्यू हो जाती है, जो इस चैप्टर का एकमात्र फार्मूला है वो यही है, इसी फार्मूले से हम लोग अलग अलग फार्मूले निकालते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कह दूं कि भाई x की जगह पर आप -x पुट कर दीजिए, भाई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा e पावर x की ही जरूरत हमें पड़े, कहीं कहीं पर हमें e पावर -x की जरूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे? तो अगर हम x की जगह पर -x पुट कर देंगे तो ये तो 1 रहेगा, यहां पर माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x/(1), यहां पर -x रखेंगे तो स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस ही रहेगा, ये हो गया x²/(2), ऐसे यहां पर रखेंगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा x³/(3)+...up to infinite। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं होता भैया, e पावर x के जो फार्मूला है उसी में आप x की जगह पर -x रख दोगे तो आपको e पावर -x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है? होता यह है, आप ध्यान से देखो, जो ऑड पावर वाले, यहां पर x का पावर कितना है? 1 है, यहां पर कितना है? 3 है, आगे 5 आएगा, फिर 7 आएगा, तो जो ऑड पावर वाले है ना उसके सामने का साइन माइनस हो जाता है। यहां पर देखो, इसके सामने का प्लस था तो यहां माइनस हो गया, इसके सामने का प्लस था यहां माइनस हो गया। रीजन भैया, x की जगह पर जब आप -x रखोगे तो -x के पावर में जब इवन नंबर होंगे 2, 4, 6 तो प्लस देगा, लेकिन जब 8, 1, 3, 5, 7 हो जाएंगे तो नेगेटिव देगा। इतनी बात आपको समझनी है। ठीक है, अब इसी को अगर हम इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं σ(n=0 to infinite) -1^(n)x^(n)/(n). -1^(n) क्यों लगाया? ये जो प्लस माइनस हो रहा ना, इसीलिए। अगर यहां पर n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1^(n) कितना?
माइनस वन टू पावर वन, और माइनस वन की पावर वन का मतलब होगा माइनस एक। तो आप देखो अगर यहां पर मैं एक रखूंगा तो यहां भी एक होगा, तो यहां पर चिन्ह आ जाएगा माइनस और यहां पर हो गया एक्स और नीचे होगा क्या फैक्टोरियल वन, और आप देख लो एक्स अपान फैक्टोरियल वन के सामने का साइन कितना है माइनस वन है। ठीक है, तो इस तरीके से ही यहां माइनस वन पावर एन लिखा गया ताकि चिन्ह भी आपको मिलता रहे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो रिजल्ट आया है ना इसको हम वन मान लेते हैं और इसको हम लोग टू मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया। अब एक बार हम कहेंगे कि एडिंग, एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम एक और दो को जोड़ेंगे, एक और दो को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे। जब हमने एक और दो को जोड़ा तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, बाएं साइड को बाएं साइड में ऐड कर दो तो e पावर x प्लस e पावर माइनस x हो गया इक्वल टू। देखो भाई जब इन दोनों को जोड़ रहे हो तो ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कौन वन और वन कितना होगा टू, तो टू को मैं लिखता हूं प्लस, ये तो कट गया ये बचा, तो एक और एक दो यानी कि टू एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल टू, यहां पर ये तीन वाला कट गया अब बचेगा चार वाला 2x पावर फैक्टोरियल बाई 4। अब यहां से आप लिख सकते हो आगे 2x पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6, क्यों, क्योंकि भैया ऑड पावर वाले जो हैं, जो ऑड पावर वाले हैं वो तो कट रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऑड पावर में उसमें प्लस वाला है इसमें माइनस वाला है, तो जो ऑड पावर होगा वो कट जाएगा कब, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तब। अब देखो यहां भी दो यहां भी दो यहां भी दो, प्रत्येक टर्म में दो आ रहा है, इसको आप कॉमन कर लो, इसको आप क्या करो कॉमन कर लो, कॉमन कर लिया, इस टू को इसके नीचे फेंक दो, ये हो गया। तो इसका जो रिजल्ट आया है वो आया आपके पास क्या कि वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू प्लस एक्स पावर फोर बाय फैक्टोरियल फोर प्लस एक्स पावर सिक्स बाय फैक्टोरियल सिक्स, आगे एक्स पावर एट बाय फैक्टोरियल एट आएगा और इसकी जो वैल्यू होगी ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई टू होगी। बात आई समझ में, अगर इसको हम इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, चलो मैं लिख के दिखा देता हूं, हालांकि इन सब के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ते हम लोग, है ना, हमें तो क्या है, हमें तो क्वेश्चन आएगा हमें उसे सॉल्व करना होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये नोटेशन भी आपके सामने आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या बता रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बोलूं कि आपका, अगर मैं कह दूं कि भाई x पावर 2n बाय फैक्टोरियल 2n है, तो आप देखो यहां पर n की वैल्यू 0 से रखना स्टार्ट करोगे तो आपको सारे टर्म मिलते जाएंगे। अब अगर आप 0 रख देते हो, जैसे आप 0 रखोगे तो यहां पर 0 हो गया, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, ऊपर 0 तो x पावर 0 का मान 1, तो ये आ गया। अब की बार 2 रखोगे, सॉरी अब की बार 1 रखोगे, जब आप 1 रखोगे तो यहां पर 1 रखोगे x पावर 2 * 1 यानी x स्क्वायर, और नीचे 1 रखोगे फैक्टोरियल 2, ऐसे 2 रखोगे तो x पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ऐसे 3 रखोगे x पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6, तो ये टर्म, ये सारे टर्म आपको मिलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो चाहे हम इस वाली चीज को ऐसा लिख दें और चाहे ऐसा ही रहने दें, दोनों का मतलब एक ही होता है और इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होती है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई 2 के बराबर होती है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब देखो क्या है कि हमारे पास यही एक बेसिक फार्मूला था, इसी से ये निकल के आया और इन्हीं दोनों का यूज करके हमने ये निकाला। अब हमारे पास एक कंडीशन और है, हम क्या कर दें, हम कह दें भाई हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, सबट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, हम क्या करेंगे, हम इस दूसरे वाले को पहले वाले में से घटा देते हैं। जब आप ऐसा करोगे तो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स करोगे बिल्कुल करेंगे। अब क्या आएगा देखो जरा, इस वाले में से इसको घटा रहे हो तो जैसे घटाओगे ये एक है, ये यहां भी प्लस एक यहां भी प्लस एक, घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये खत्म, यहां पर माइनस है लेकिन जैसे घटा रहे हो ना तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब की बार ये दोनों बच जाएंगे, यहां पर प्लस है माइनस, मतलब सीधा सा ये है कि अब की बार ऑड पावर वाले बचेंगे, इवन पावर वाले खत्म हो गए और वन भी साथ ही साथ खत्म हो गया, तो बचा क्या, बचा कुछ नहीं, टू को हम बार कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं इसको जोड़ेंगे दो आएगा, इसको जोड़ेंगे दो आएगा, आगे भी दो आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल वन प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स पावर फाइव बाय फैक्टोरियल फाइव प्लस डैश डैश अप टू इनफाइनाइट, चाहो तो इस टू को इसके नीचे लगा दो, यहां से टू को हटा दो, ये आ गया आपका अगला फार्मूला। अगला फार्मूला आ चुका है e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई टू की वैल्यू ये हो जाएगी। अगर इसको हम इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, सिग्मा n इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट, लिख देते हैं x पावर टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल
2n प्लस 1, ठीक है, यही होगा। जब आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, यहां भी 0 हो गया, तो केवल x बचेगा। जब आप x की वैल्यू n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहां पर 1 रखोगे तो 2 1 3 हो गया, ऊपर भी 3 हो गया। जब आप 2 रखोगे तो यहां 5 हो गया, यहां भी 5 हो गया। तो चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, दोनों का मतलब यही होता है। इसको आप इक्वेशन 4 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये चार फार्मूले आपने देख लिया, अब हम क्या करने वाले हैं, अब इन चार फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे और चार और नए फार्मूले बनाएंगे। वो जो चार नए फार्मूले बनेंगे ना, वो आपके बहुत ही काम के हैं, उन्हीं से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले डिराइव किए, जो भी फार्मूले हमने निकाले, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इनका इस्तेमाल करेंगे हम लोग और चार फार्मूलों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, चलो कर लेते हैं। करना कुछ नहीं है, कहेंगे कि पुटिंग एक्स इक्वल टू 1 इन 1, 2, 3 एंड 4। क्या बोला मैंने, हमने कहा कि भाई x बराबर 1, समीकरण 1 में, 2 में, 3 में और 4 में, इन चारों में x की जगह पर 1 रख दो, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपने यहां पर x की जगह पर 1 रखा तो e पावर 1 हो जाएगा, इसका मतलब कि e ही रहेगा, है ना। e पावर 1 का मतलब क्या, e, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहां पर देखो x की जगह पर आप 1 रख रहे हो तो रिजल्ट मिलेगा 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 डैश, ये आपको मिल जाएगा e की वैल्यू। इसको आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मतलब पांचवा फार्मूला, ठीक है, और ये बड़े काम का है, इसी के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सब तो बेसिक फार्मूले थे, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले फार्मूले ये है, ठीक है। ऐसे ही e पावर माइनस 1 की बात करें, अच्छा e पावर माइनस 1 को हम 1 बाई e भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है। इक्वल टू क्या होगा भाई, 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4, है ना, माइनस डैश डैश, ये आपका छठवां फार्मूला हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, x की जगह पर 1 रखते हुए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो यहां पर करेंगे तो e प्लस e पावर माइनस 1 बाई 2, ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं e प्लस 1 बाई e बाई 2, इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं e स्क्वायर प्लस 1 बाई 2e, इन सब का मतलब एक ही होता है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस में 1 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस में 1 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डैश डैश, ये आपका सातवां फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, है ना। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट में आपका है e पावर x है तो e पावर 1 हो गया, माइनस में e पावर माइनस 1 हो गया डिवाइडेड बाई 2, इसी को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं e माइनस 1 बाई e बाई 2, या इसी को हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं e स्क्वायर माइनस 1 बाई 2e, इन सब का मतलब एक ही है। ये पूछेगा तब भी इसका यही मतलब होगा, ये पूछेगा तब भी यही इसका मतलब होगा। ये क्या होता है, 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डैश डैश, ये आपका बनेगा फार्मूला नंबर 8, ठीक है ना। तो ये 8 फार्मूले हैं, 4 ये हो गए बेसिक वाले, 4 ये हो गए कैलकुलेशन वाले, जो इस चैप्टर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यही आपका जो भी कॉन्सेप्ट होता है इस चैप्टर का, इतना ही है। इसके आगे कोई कॉन्सेप्ट आपको सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। अब कुछ शॉर्टकट मेथड होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चंस में करते हैं, तो उनको भी आइए देख लेते हैं क्या शॉर्टकट मेथड हैं, और साथ ही साथ कि एक्सपोनेंशियल सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, वर्किंग रूल क्या होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कुल जितने भी फार्मूले होते हैं इस चैप्टर के, उनको हमने देख लिया, ठीक है। एक छोटी सी बात और रह गई है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जैसे आपने कहा कि भाई e पावर x की जो वैल्यू होती है 1 प्लस एक्स वाई फैक्टोरियल 1 होती है प्लस x स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 होती है प्लस x क्यूब वाई फैक्टोरियल 3 होती है प्लस डैश डैश, है ना, ये होता है। अगर आपसे कोई कह दे भाई a पावर x की वैल्यू क्या होगी, तो a पावर x की वैल्यू क्या यही होगी, नहीं भैया, यहाँ पर e है, यहाँ पर a है, दोनों में चेंज है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो a पावर x को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, e पावर log बेस e a पावर x, क्योंकि e बेस है ना, तो ये पूरा हट जाएगा, केवल a पावर x ही बचेगा। और इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो a log x बेस e, सॉरी उल्टा हो गया, ये x आगे आ जाएगा ना, तो x log
ए बेस ई, मतलब ए पावर एक्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो ई पावर एक्स है इसकी वैल्यू ये है, तो ई पावर इतना हो तो एक्स की जगह पर यही वैल्यू फिट कर देंगे, यानी कि अगर हम ए पावर एक्स का एक्सपेंशन लिखना चाहें तो होगा वन प्लस एक्स लॉग ए बेस ई वाई फैक्टोरियल वन प्लस एक्स लॉग ए बेस ई वाई फैक्टोरियल टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में एक्स लॉग ए बेस ई वाई फैक्टोरियल थ्री, इसका क्यूब हो जाएगा, और ऐसे टर्म आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ए पावर एक्स का एक्सपेंशन। आप चाहें तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, कहीं कहीं पर आपसे पूछ लेता है, ठीक है, तो इसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अगर यहां पर कह दे कि एक्स की जगह पर एक रख दो, तो यहां पर एक होगा, तो यहां एक हो जाएगा, यहां एक हो जाएगा, यहां मतलब जहां जहां एक्स है वहां वन पुट कर देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आराम से आप इस फॉर्मूले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस पर बहुत कम क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है भाई, कितना क्वेश्चन दे देगा ना, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में तो आता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन आएगा बहुत सिंपल आएगा, और थोड़ा सा 10-15 सेकंड का दिमाग लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेहनत ज़्यादा नहीं है, बस फार्मूले भी ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक सीरीज और आपसे पूछी जाती है, लॉगरिथमिक सीरीज। तो लॉगरिथमिक सीरीज में फैक्टोरियल नहीं होता है, इसमें फैक्टोरियल होता है, उसमें फैक्टोरियल नहीं होता है, उसको मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ कि लॉगरिथमिक सीरीज में क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला छूट गया था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब आइए बात करते हैं वर्किंग रूल के बारे में कि एक्सपोनेंशियल सीरीज के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वर्किंग रूल की, है ना, इंपॉर्टेंट तो वही है ना, क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो वर्किंग रूल क्या होता भैया, पहला स्टेप आपको ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले आप जो भी सीरीज दी जाएगी ना, फाइंड nth टर्म, मतलब tn निकालोगे, क्या करोगे, tn यानी nवां पद उसका निकालोगे, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इलिमिनेट n फ्रॉम न्यूमरेटर, मतलब आपको देखो अंश बटा हर में रहेगा, तो ऊपर अंश जो है, न्यूमरेटर जो है, वहां से n को हटाना है, गायब करना है। अब गायब ऐसा नहीं करेंगे कि हटा देंगे, जीरो लिख देंगे, उसको गायब करने का तरीका होगा। वो कौन से तरीके होंगे मैं आपको एग्जांपल के द्वारा अभी दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि आपको nth टर्म निकालना है। सेकेंड स्टेप क्या है कि आपको जो भी nth टर्म में ऊपर n है, न्यूमरेटर में n है, उसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या करना है, पुटिंग n इक्वल टू 1, 2, 3 डैश डैश, जो आपका nवां पद है उसमें से आपने ऊपर से n को हटा दिया। अब जो बचेगा nवां पद, उसमें आप n की जगह पर 1, 2, 3 रखोगे, तो जब n इक्वल टू 1 रखोगे तो आपको t1 मिलेगा, 2 रखोगे t2 मिलेगा, 3 रखोगे t3 मिलेगा। ठीक है, ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप कुछ नहीं करना, चौथा स्टेप आपका होगा एडिंग t1, t2, t3 डैश डैश। ठीक है, और ये इतना करते करते आपका आंसर दिखने लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पूरा वर्किंग रूल कि हम लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, एक होता डायरेक्ट मेथड, है ना, कुछ ऐसी सीरीज भी आ जाती है सामने जिसको देख के हम लोग ये सब करने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है, nth टर्म निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम टिपिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे काम करना है, है ना। 95% क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो यहीं तक करते आपका आंसर आ जाता है। क्यों, क्योंकि जो अभी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, जो ट्रिक बताऊंगा, अगर आपने उनको फॉलो किया ना, तो केवल दो ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, तीसरा चौथा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। ठीक है, अब दो ही स्टेप में आपका आंसर आएगा तो आपका समय बचेगा। ठीक है, समय बचाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा हमें काम करना होगा। अब वो जो ट्रिक है, जो शॉर्टकट है, जो टेक्निक है, वो क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं आपको ट्रिक बताने चल रहा हूं, उसको आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहला क्या भैया, पहला है कि अगर nवां पद आपको कोई सीरीज दी गई, उसका मान लीजिए nवां पद आ गया 1/n, क्या आ गया 1/n, तो कुछ मत सोचना, डायरेक्ट लिख देना e-1, उसका आंसर क्या आएगा e-1। अगर कोई सीरीज दिया उसका nवां पद ये आया है तो इसका आंसर क्या आएगा e-1 आएगा। अब कैसे आएगा, अभी मैं आपको कोई एक करके दिखा देता हूं। ठीक है, दूसरे की बात करें, अगर nवां पद आपने निकाला और उसका उसका nवां पद आ गया n
एन प्लस वन, कितना आ गया एन प्लस वन। तो जैसे ही उसका एनवा पद आया वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन, इसका आंसर आएगा ई माइनस टू। क्या आएगा? ई माइनस टू। मान लो कि अगला आपने कोई सीरीज लिया उसका एन टर्म निकाला और वो आ गया वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस टू। क्या आ गया? वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस टू। तो इसका आंसर आएगा क्या? ई माइनस थ्री, नहीं ई माइनस फाइव बाई टू। अब ये कैसे हुआ भाई? यहां पर एन था तो एन ई माइनस वन, यहां एन प्लस वन था, यहां पर एक था तो दो घटा दिया, यहां पर एक को नहीं था तो एक घटा दिया, तो यहां पर दो है तो तीन घटाना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? चलो मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं। अगर एन टर्म वन बाई फैक्टोरियल एन है तो जरा बताओ, जब यहां पर एन की वैल्यू वन रखूंगा तो क्या आएगा? वन अपॉन फैक्टोरियल वन। जब टू रखूंगा क्या आएगा? वन अपॉन फैक्टोरियल टू। थ्री रखूंगा वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, और ये ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा। अभी कुछ देर पहले आपने ई की जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी निकाली थी? वन प्लस वन बाई फैक्टोरियल वन प्लस वन बाई फैक्टोरियल टू प्लस वन बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस डैश डैश, यही तो आया था। अब इसको देखो और इसको देखो, दोनों एक जैसे नहीं, इसमें एक की कमी है। अगर इसमें मैं एक जोड़ दूं तो ये चीज इसके बराबर हो जाएगी। इसका मतलब कि अब इसकी जगह पर हम ई लिख सकते हैं, लेकिन ई एक को अपनी तरफ से जोड़ा है तो एक को घटाना भी पड़ेगा, ठीक है? तो ये तो आपका ई हो गया और ई में से एक को घटा दिया तो ये आपका आ गया, ठीक है? ऐसे ही अगर यहां पर एन प्लस वन है तो क्या होगा? ध्यान से देखो, ये तो ई की वैल्यू हो जाएगी, ये तो ई की वैल्यू हो जाएगी, है ना? यहां पर एक रखोगे तो एक एक दो, तो वन अपॉन फैक्टोरियल टू, फिर दो रखोगे तो तीन, फिर ऐसे ही तीन रखोगे तो चार, फिर चार रखोगे तो पांच। मतलब अब आपकी जो सीरीज है, आपकी जो सीरीज है यहां से स्टार्ट हो रही है। इसको इसके जैसा बनाना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, वन को ऐड करना है प्लस इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा, तभी तो इसके बराबर आएगी। अब ये आपका बन गया ई, लेकिन इतना आपने जोड़ा है तो इतना घटाना भी तो पड़ेगा, तो घटा दो। फैक्टोरियल वन की वैल्यू वन होती है तो वन अपॉन फैक्टोरियल एन का मान एक हो गया, एक और एक कितना हो गया? दो। तो इसका आंसर आ गया ई माइनस टू। ऐसे निकालते हैं, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब इसकी अगर बात कर लें, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। देखो भाई, जब आप यहां पर एन की वैल्यू वन रखोगे तो टू प्लस वन, यानी अब आपकी सीरीज यहां से शुरू होगी। अब यहां से शुरू हो रही है, ये तीन टर्म छूट रहे हैं, तो क्या करेंगे? यहां पर वन प्लस फैक्टोरियल वन बाई वन अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, इतना आप जोड़ रहे हो अपनी तरफ से, ध्यान रखना, इतना आप जोड़ रहे हो। तो इतना अगर आप जोड़ रहे हो तो इतना घटाओगे भी, तो इतना तो आपको घटाना भी है, इतना जोड़ा तो इतना घटा भी दिया। चलो यहां घटा देता हूं, तो ये तो आपका ई हो गया माइनस। यहां पर देखो, इसका मान एक होगा, वन अपॉन फैक्टोरियल वन की वैल्यू कितनी होगी? एक होगी, तो एक और एक कितना? दो। और वन अपॉन फैक्टोरियल टू का मतलब क्या? फैक्टोरियल टू का मतलब टू होता है, तो टू प्लस वन बाई टू, ये कितना हो गया? फाइव बाई टू आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमको इसकी वैल्यूज निकालनी है। अब ये कुछ चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है ना, इससे बाहर का नहीं आता है, कुछ लिमिटेड है। अगर आपने उतना याद कर लिया तो इतने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और मान लो कि याद नहीं है तो आप इस तरह से उसको निकाल सकते हो। अब दो चार सेकंड और ज्यादा लगेंगे, है ना, याद है तो समय बच जाएगा, दो चार सेकंड और लगेंगे, आप ये चीज निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहां तक, नेक्स्ट की बात करते हैं। टी एन, मान लो कि वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन आ गया, एन माइनस वन आ गया, तब इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू ई हो जाएगी। क्या होगी? ई हो जाएगी। और ध्यान रखना, यहां पर दिखा रहा हूं मैं आपको करके, देखो ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पर आप एन की वैल्यू वन रखोगे, क्या रखोगे? वन रखोगे, तो वन माइनस वन कितना? जीरो। और फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू कितनी होती है? वन होती है, तो पहला टर्म आएगा वन। जब यहां टू रखोगे टू माइनस वन, तो वन आएगा वन अपॉन फैक्टोरियल वन, फिर वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री। तो आप देख लो, जैसा ये है वैसा ये है, तो इसकी वैल्यू हो गई ई। अब एक चीज और, एक चीज और, यहां पर मान लो एन माइनस टू है तो इसकी भी वैल्यू होगी ई, यहां पर एन माइनस थ्री है तो इसकी भी वैल्यू होगी ई, यहां पर एन माइनस सौ है, यहां पर एन माइनस सौ है तो इसकी भी वैल्यू होगी ई। क्यों? यहां पर एन माइनस कुछ भी हो तो उसका आंसर ई आएगा। क्यों आएगा ऐसा? ध्यान से देखो, चलो मैं पहले आपको टू पे करके दिखाता हूं, एन माइनस वन पे किया था, अब टू पे करके दिखाता हूं, ठीक है। तो क्या करोगे आप, यहां पर एन की वैल्यू क्या रखोगे? वन। नहीं, वन नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने वन रखा, वन माइनस टू फैक्टोरियल के अंदर निगेटिव आ जाएगा भैया, निगेटिव नहीं चलेगा, फैक्टोरियल में निगेटिव नहीं होता है। तो क्या ध्यान रखेंगे, एन की शुरुआत आप कहां से होगी? टू से होगी। तो जैसे टू रखोगे, टू माइनस टू क्या होगा? जीरो। और वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल, मतलब जीरो फैक्टोरियल का मतलब एक, तो वन अपॉन वन का मतलब एक। फिर टू के बाद थ्री रखोगे, थ्री माइनस टू कितना? वन। यह
टू रख फोर रखोगे, फोर माइनस टू कितना टू, बात समझ में आ रही है। तो अब शुरुआत होगी n बराबर दो से, ऐसे अगर आपने यहां पर लिख दिया n माइनस तीन तो अब शुरुआत होगी किससे, एक दो से नहीं तीन से होगी, एक रखोगे तब भी नेगेटिव आएगा, टू रखोगे तब भी नेगेटिव आएगा, तो शुरुआत कहां से होगी, शुरुआत तीन से होगी। और जैसे आपने तीन से शुरुआत किया, तीन माइनस तीन क्या जीरो, वन अपन फैक्टोरियल जीरो का मतलब क्या एक, फिर चार रखोगे एक, पांच रखोगे दो, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम कि एन माइनस कुछ भी हो, एन माइनस कुछ भी हो फैक्टोरियल के अंदर, तो उसकी वैल्यू हमेशा ई आती है, ठीक है। तो ऐसा ना करके हम यहां पर लिख देते हैं भाई, वन अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर हो तो इसकी वैल्यू ई होगी, जहां पर एन जो होगा ना वो या तो आर के बराबर होना चाहिए, या तो आर के बराबर होना चाहिए, या तो आर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, टी एन हो वन अपान फैक्टोरियल टू एन हो, क्या हो फैक्टोरियल टू एन हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देख लेते हैं। देखो जैसे आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो पहला टर्म आपको मिलेगा 1 बाय फैक्टोरियल 2, फिर n इक्वल टू 1 रखा तो ये मिला, 2 रखोगे तो 1 बाय फैक्टोरियल 4, 3 रखोगे 1 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस डैश 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 डैश, ये होगा। अभी आपने कुछ देर पहले ये फार्मूला निकाला था, ये फार्मूला निकाला था और इसकी वैल्यू होती थी 1 प्लस फैक्टोरियल 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डैश डैश, ये होता था। तो ये भी तो वैसा ही है, बस इसमें एक की कमी है तो एक जोड़ दोगे, एक को घटा भी दोगे, है ना। तो ये पूरा चीज हो गया आपका, ये इसका मतलब आएगा e प्लस e पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, और इस पूरे में से आपको वन को माइनस कर देना, ये आपका हो गया वन बाय फैक्टोरियल टू एन, ठीक है। ऐसे ही छठे की बात कर लें, टी एन इक्वल टू वन अपॉन फैक्टोरियल टू एन माइनस वन हो, तब क्या करेंगे देख लो, जब आप यहां पर n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 माइनस वन कितना होगा 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। तो ये आएगा 1 अपान फैक्टोरियल 1 प्लस, जब यहां पर 2 रखोगे, जब आप यहां पर 1 रखा तो वो आया, 2 रखोगे तो 2 गुना 4 में से निकल गया 3, तो ये आएगा 1 अपान फैक्टोरियल 3, ऐसे ही आएगा 1 अपान फैक्टोरियल 5, फिर ऐसे आएगा 1 अपान फैक्टोरियल 7, और ये किसकी वैल्यू है, अभी कुछ देर पहले निकाले थे यार, ई माइनस ई पावर माइनस 1 बाई 2, ये आया था। तो इसका आंसर क्या होगा, e माइनस ई पावर माइनस वन बाई टू। ये कुछ डायरेक्ट टर्म्स है जो आपको याद करने हैं। अब याद कैसे होंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, इनका यूज करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन हो पाएगा उतना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका छठा था। सातवें की बात कर लेते हैं, चलो एक और निकाल लेता हूं मैं, टी एन इक्वल टू अगर आपका आया वन अपॉन फैक्टोरियल टू एन माइनस टू, कितना है टू एन माइनस टू, तो क्या होगा जरा देखो। अच्छा मान लो भूल रहे हो, आपको ध्यान नहीं है, तो यहीं आप n की वैल्यू रख के एक दो टर्म कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल सकते हो। n की वैल्यू आप क्या रखोगे, जैसे आप एक रखोगे तो यहां पर आएगा दो, दो में से दो निकल गया जीरो, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन, इसका मतलब इसका फर्स्ट टर्म आएगा वन, कितना आएगा वन आएगा। जब आप यहां पर रखोगे टू तो दो गुना चार, चार में से दो निकल गया दो, फिर कितना आएगा, लो भाई कमाल हो गया, तो कितना आ रहा है, ये भी तो वही आ रहा है e प्लस ई पावर माइनस वन बाई टू, ये तो डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, अगर एनवा पद आए इतना तो इसकी जगह पर आप रखोगे e प्लस ई पावर माइनस वन बाई टू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और दो तीन फार्मूलों के बारे में, फार्मूले नहीं है ये, क्या है ये, डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट ट्रिक है, शॉर्टकट है, जिसकी हेल्प से हम लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ, देखो कितने हो गए भाई, सात हो गए। आठवें की बात कर लेते हैं, अब इसमें माइनस वाले भी देख लिए, इसमें प्लस वाले देख लेते हैं। अगर टी एन का एनथ टर्म कितना आ गया, एनथ टर्म आ गया टू एन प्लस वन, कितना आ गया टू एन प्लस वन, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां पर जब आप एन की वैल्यू वन रखोगे तो कितना आएगा वन बाय फैक्टोरियल थ्री, जब टू रखोगे कितना आएगा वन अपॉन फैक्टोरियल फाइव, फिर वन अपॉन फैक्टोरियल सेवन, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि अगर यहां पर 1 अपान फैक्टोरियल 1 होता तो यह बन जाता क्या, यह बन जाता e माइनस e पावर माइनस 1 बाई 2, लेकिन इतना हमने जोड़ा है अपनी तरफ से तो इतना घटाएंगे भी, इतना जब आप घटाओगे तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी 1, तो 1 अपान 1 का मतलब क्या 1, तो इसका रिजल्ट आएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं e माइनस e पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस कितना 1, आई बात समझ में। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, इसी में हम लोग बात कर लेते हैं, अगर nth टर्म आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n प्लस 2, कितना है 2n प्लस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 आएगा, फिर
वन अपॉन फैक्टोरियल टू रखोगे तो सिक्स आएगा, फिर एट आएगा, फिर ऐसे जाएगा। अब यहां पर अगर वन अपॉन फैक्टोरियल टू होता और वन होता तो काम बन जाता, तब इसको हम लिखते ई प्लस ई पावर माइनस वन बाई टू। लेकिन ऐसा नहीं, इतना हमने जोड़ा है तो इतना घटाएंगे भी, तो वन बाय फैक्टोरियल टू का मतलब वन बाय टू होता है, और वन बाय टू प्लस वन कितना होगा थ्री बाय टू, यानी कि ये आ जाएगा आपका थ्री बाय टू। ठीक है, तो इसका रिजल्ट होगा e प्लस ई पावर माइनस वन बाई टू माइनस में कितना थ्री बाई टू, ये हो गया वन बाई फैक्टोरियल टू एन प्लस टू। हालांकि इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप एक्सपोनेंशियल सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात वन अपॉन फैक्टोरियल टू एन प्लस टू की। अब आगे हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, इतना बेसिक है, ये आपको ध्यान में रखना ही है। ठीक है, अगर आपने इनको ध्यान में रख लिया ना तो यहीं से दूसरा स्टेप करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तीन और महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। देखो, अगर एन टर्म आ गया एन स्क्वायर बाई फैक्टोरियल एन, क्या आ गया एन स्क्वायर बाई फैक्टोरियल एन, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है टू ए। कितनी होती है टू ए। अगर आ गया एन टर्म आ गया एन क्यूब बाई फैक्टोरियल एन, तो इसकी वैल्यू होती है फाइव ए। डायरेक्ट याद रखना, बहुत ही आराम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका समय बचेगा। ठीक है, और यहां पर लिख देता हूं नंबर 12, अगर एन टर्म आ गया एन पावर फोर वाई फैक्टोरियल फोर, तो इसकी वैल्यू होती है कितनी 15e। कितनी होती है भाई 15e होती है। ठीक है, तो ये तीन और आपको ध्यान में रखने हैं, एन स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू हो तो 2e, एन क्यूब बाय फैक्टोरियल एन हो तो 5e, एन पावर फोर बाय फैक्टोरियल फोर हो तो 15e, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक्सपोनेंशियल सीरीज का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो फार्मूले होते हैं, जो ट्रिक होता है, जो वर्किंग रूल होता है, सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, डिटेल में समझा दिया, मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज में कोई कन्फ्यूजन रह गया होगा। ये जो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट ट्रिक, डायरेक्ट टेक्निक जो हम लोग यूज करने वाले हैं, मान लो कि आप भूल गए तो उसको निकालने का तरीका भी मैंने आपको समझा दिया कि आप उसको कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल करूंगा ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि एक्सपोनेंशियल सीरीज के क्वेश्चन ये तरीका कैसे काम करता है, कैसे हम लोग इनका इस्तेमाल करके अपना आंसर कम से कम समय में निकालते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फोर क्वेश्चंस पहले ही लिख रखे हैं, आइए इनको सॉल्व करते हैं। और ये जो फोर क्वेश्चंस आपके सामने लिखे गए हैं ये आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, इनसे टिपिकल, इनसे बाहर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं वन बाई वन करके इन चारों प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहले की बात करते हैं। सीरीज आपको दी गई है, मैंने कहा था कि वर्किंग रूल में कि पहला आपका स्टेप होता है कि आप इसका nth टर्म यानी tn निकालो, tn निकालो। तो tn निकालने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके लगा सकते हो, है ना। अगर आप डायरेक्ट पता कर पाते हो कि इसका nth टर्म क्या होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका समय और बर्बाद जाएगा। आप क्या करोगे, आप देखोगे 2, 4, 6 ऊपर चल रहा है, तो ऊपर जो इसका न्यूमरेटर है वो क्या है, वो एपी में है, तो वहाँ से आप उसका एनएट टर्म निकालोगे। और फिर नीचे देखो 1, 3, 5, 7 ये भी एपी में है, तो इसका अलग से एनएट टर्म निकालोगे। फिर दोनों का रेशियो करोगे, यानी कि ऊपर वाले का एनएट टर्म बटे नीचे वाले का एनएट टर्म। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पता कर पाते हो तो अच्छी बात है। ऊपर देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसका मतलब ऊपर 2n रहेगा। जब मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा 2 आएगा, 2 रखूंगा 4 आएगा, 3 रखूंगा 6 आएगा, अपॉन में नीचे आपका क्या है, नीचे आपका है, देखो भाई नीचे आपका है 2n-1। नीचे क्या है 2n-1, क्यों, क्योंकि जब मैं 1 रखूंगा तो 2-1 आएगा, जब मैं 2 रखूंगा तो 4-1 3 आएगा, 3 रखूंगा 6-1 5 आएगा। ये हमारा nth टर्म है। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने इस सीरीज का nth टर्म निकाल लिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या करना है, ऊपर से n को हटाना है, ऊपर n अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो इसको हटाने का सिंपल तरीका, मैं एक काम करता हूँ, ऊपर एक को घटा देता हूँ और एक को जोड़ देता हूँ। ऐसा करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना जोड़ा उतना घटा दिया, नीचे तो आपका वही है फैक्टोरियल 2n-1। अब ये काम करना क्या, इसको आप अलग अलग चाहो तो लिख लो, अपॉन में कितना फैक्टोरियल 2n-1, कितना 2n-1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल में 2n-1, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको फैक्टोरियल से बाहर करूँगा तो ये तो बाहर हो जाएगा आराम से, और यहाँ पर आएगा फैक्टोरियल में 2n-2। भाई इसमें से एक घट जाता है, प्लस में 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n-1, ये इससे कैंसिल हो गया। रिजल्ट आपके पास जो आया है, आपने ऊपर से n को हटा दिया है, हटाने के बाद आपके सामने ये रिजल्ट आया है। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज आपको डायरेक्ट अगर याद है, देखो पहला स्टेप क्या था, tn निकालना, दूसरा स्टेप क्या था, ऊपर से n को हटाना, हटा दिया।
ठीक है। अब यहां से आप चाहो तो इस क्वेश्चन को पूरा लेंथी कर सकते हो। आप यहां से एन की वैल्यू एक बार वन रखोगे, या आपका टी एन है ना, तो एक बार वन रखोगे टी वन आएगा, टू रखोगे टी टू आएगा, थ्री रखोगे टी थ्री आएगा, ऐसे ऐसे करके आप सबको निकालोगे फिर जाके जोड़ोगे, ठीक है। उससे आसान क्या है, उससे आसान ये है कि इतना हमने किया, इतना हमने कर लिया। अब अगर आपको इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद है, इसकी वैल्यू याद है तो आपका आंसर निकल चुका है, ठीक है। नहीं याद है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि अगर यहाँ पर एन की वैल्यू वन रखेंगे तो नीचे कितना आएगा, नीचे तो भैया जीरो बनेगा, और फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होती है यानी कि वन आएगा, ठीक है। इसके बाद आप टू रखेंगे तो कितना आएगा, टू, टू का टू में मल्टीप्लाई करेंगे, फोर फोर माइनस टू टू आएगा, वन बाय फैक्टोरियल टू। इसका मतलब यह है कि ये जो सीरीज चल रही है ना, ये जो सीरीज चल रही है वो ई प्लस ई पावर माइनस वन बाई टू वाली है। कितनी वाली है, टू वाली है। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप लिखोगे, नहीं याद है तो आप निकाल सकते हो। एन की वैल्यू कितनी, वन, तो टू माइनस टू कितना, जीरो। वन अपॉन फैक्टोरियल जीरो का मतलब वन, प्लस जब आप टू रखोगे दो दुना चार में से दो निकल गया फैक्टोरियल टू, प्लस में तीन रखोगे फैक्टोरियल फोर, ये आ रहा है और इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, प्लस यहां पर देखो 2n माइनस वन है, 2n माइनस वन है। जब आप यहां पर n की वैल्यू 1 रखोगे, 2 माइनस वन कितना, फैक्टोरियल 1। इसका मतलब ये सीधा सीधा बन रहा है क्या, e माइनस ई पावर माइनस वन बाई टू। दोनों को जोड़ोगे तो ये वाला ये टर्म से कट जाएगा, e बाई टू प्लस ई बाई टू बचेगा, और इसको जोड़ने पर क्या आएगा, e आएगा। इसका मतलब आपका ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है 2 बाई फैक्टोरियल 3, 4 बाई फैक्टोरियल 5, 6 बाई फैक्टोरियल 7, ठीक है। तो इसका nth टर्म आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसका nth टर्म निकालोगे तो 2, 4, 6 है, तो इसका मतलब ऊपर तो 2n रहेगा, नीचे क्या आएगा, नीचे 3 है प्लस 5 है प्लस 7 है, इसका मतलब नीचे आएगा आपका 2n प्लस 1। जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 आएगा, 2 रखोगे 5 आएगा, 3 रखोगे 6 7 आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको nth टर्म मिल जाएगा। अब पहला स्टेप हो गया, nth टर्म निकाल लिया। सेकंड स्टेप, ऊपर से n को गायब करो, तो ऊपर मैं लिख सकता हूं 2n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1, ये हो गया। अलग अलग कर लो, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2n प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n प्लस 1। यहां तो ऊपर से गायब होगा, यहां भी गायब कर देंगे, 2n प्लस 1 है। फैक्टोरियल से इसको बाहर निकालोगे, बाहर निकालोगे तो यहां से इसमें से एक घट जाएगा, तो एक घटा एक कटा, तो यहां बचेगा 2n माइनस माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2n प्लस 1, ये इसे कैंसिल हो गया। यहां पर आपको मिलेगा फैक्टोरियल 2n और यहां पर मिलेगा फैक्टोरियल 2n प्लस 1, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका था जो आपको लगाना था। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है e प्लस e पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 होती है, माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है जब यहां पर n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 1 बाई फैक्टोरियल 3। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है e पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं तरीका मैंने आपको बताया था, ये होता है। सॉल्व कर लो तो जैसे इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, इस 1 से ये 1 कट जाएगा। और ध्यान से देखो, e बाई 2 यहां प्लस है लेकिन यहां पर e बाई 2 माइनस होगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि e पावर 2 e पावर माइनस 2 यानी कि आ गया e पावर माइनस 1 यानी कि आ गया 1 बाई e। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ नहीं है यार। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो बहुत ही आराम से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इतना करने में जितना तेजी आप करोगे, जितना कैलकुलेशन तेजी से कर पाओगे, उतना आपका समय बचेगा, उतना ही तेज आप आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन में देखो, 1 प्लस 2 क्यूब बाई फैक्टोरियल 2, 3 क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, 4 क्यूब बाई फैक्टोरियल 4, क्या यहां पर हम फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर क्या क्यूब लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि भैया क्वेश्चन नंबर 3 आपका, कि अगर nth टर्म आपका आ जाए क्या, n क्यूब बाय फैक्टोरियल n। ध्यान से देखो, n की वैल्यू 1 तो 1, 2 तो 3, तो ये 4, तो ये ऊपर 1 तो ये वाला, 2 तो ये वाला, 3 तो ये वाला, ये आ रहा है। और अगर ऐसा आ रहा है तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, है इसका डायरेक्ट आंसर आएगा कितना, 5e। मैंने आपको फार्मूला लिखाया था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ध्यान से देखो, यहां पर 1 बाय फैक्टोरियल 1 है, 1 प्लस 2 बाय फैक्टोरियल 2 है, 1 प्लस 2 प्लस 3 बाय फैक्टोरियल 3, ऐसे आगे जा रहा है। तो इसका nth टर्म पहले निकालोगे आप, क्या करोगे, इसका nth टर्म निकालोगे। तो nth टर्म आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश, कहां तक, n तक जाएगा। नीचे क्या होगा, नीचे आपका फैक्टोरियल n चलेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू 1 रखोगे तो आएगा, 2 रखोगे आएगा, 3 रखोगे आएगा, ऊपर वाला है। अब ये आपका सीरीज है,
है ना, ये आपका सीरीज है एपी में, इसका सम्मेशन जो होगा वही इसका एनथ टर्म होगा, तो इसका सम्मेशन आता है एन एन प्लस वन बाई टू बाई फैक्टोरियल एन, और टू यहां पर लगा देंगे, ठीक है। वन बाई टू को आगे करोगे एन एन प्लस वन बाई फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन का मतलब एन बाहर निकालोगे तो फैक्टोरियल एन माइनस वन हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, ऊपर से एन को हटाना रहता है, हम क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग लिखेंगे, एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन और प्लस में वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर से एन हट चुका है, यहां से एन हटाना है तो क्या करेंगे, वन बाई टू इसको लिख देंगे एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल एन माइनस वन और प्लस में वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन प्लस में वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन। क्या किया, ये तो पहले से था, यहां पर एक बार मैंने एक को घटाया और एक को जोड़ दिया, तो एक को घटाया उसको अलग लिखा और एक वाले को अलग लिखा, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर टू हो गए, ठीक है। और यहां से देखो वन बाई टू है, एन माइनस वन को बाहर, एन माइनस वन है, यहां से एन माइनस वन को बाहर निकालोगे, यहां से एन माइनस वन को बाहर निकालोगे तो फैक्टोरियल एन माइनस टू हो जाएगा और प्लस में टू अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस वन है, ये इससे कट गया। अब फाइनली आपको मिल गया है वन बाई टू आगे है, फाइनली मिल गया है वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस टू प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन, ये मिल गया, इसकी वैल्यू भी ई होगी, इसकी वैल्यू भी ई होगी, आगे टू है तो टू ई हो जाएगी, टू ई प्लस ई कितना हो गया 3e, तो आ गया 1 बाई टू इंटू क्या 3e, 3e बाई टू आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल सीरीज के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, पहले nth टर्म निकालो, फिर उसके ऊपर से n को गायब कर दो, उसके बाद आपको अगर अगर इनकी वैल्यूज आपको याद हैं तो वहां से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अगली वीडियो में हम लोग लॉगरिथमिक सीरीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।